बॉक्स को मैं खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि कंटेंट क्या है इसके अंदर। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और हम देखते हैं बॉक्स कंटेंट। तो एज यूजुअल ऊपर की तरफ आपको ये एक लिड पड़ी मिलेगी जिसमें आपको कुछ ये चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन गाइड है और एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और साथ साथ एज यूजुअल कंपनी आपको एक सिलिकॉन कवर फ्री में दे रही है जो हमेशा कंपनी आपको अपने फ़ोन में देती आई है। इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है, इसको भी मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। एंड या एक फ़ोन दिया गया है जिसका नाम Realme U1 है। तो फ़ोन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये काफ़ी हद तक Realme 2 Pro जैसा ही लग रहा है। इसको ऑन कर लेते हैं। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट नॉच है वो भी छोटा सा है, तो Realme 2 Pro जैसी लुक्स के साथ इस फ़ोन को कंपनी ने पेश किया है। अब इसमें देखते हैं और क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पर एक कार्ड पड़ा है जिस पर लिखा है ड्रीम्स एम्बिशन करेज पावर पैशन वी फिट ऑल इन वन बॉक्स। क्या ये सही बात है? प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि कंपनी की जो टैगलाइन है वी फिट ऑल इन वन बॉक्स, क्या ये सही है? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। इसको हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको एक पावर अडाप्टर मिल जाता है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर अडाप्टर है ये। इसके साथ साथ इसमें आपको ये केबल मिलती है। केबल कौन सी है? माइक्रो USB केबल दी गई है इस फ़ोन में, ईयरफोन्स नहीं है। तो देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे ये सारी एसेसरी आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब बात की जाए Realme U1 के डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो ये फ़ोन पूरी तरह से Realme 2 Pro की तरह दिखता है। और आपको मैं Realme 2 Pro भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा Realme 2 Pro और ये दोनों फ़ोन्स, इसमें से Realme 2 Pro कौन सा और Realme U1 कौन सा है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, आई एम सॉरी। बट आप देख सकते हैं कि इतना आइडेंटिकल है, पर आपको बता दूं कि Realme U1 एक्चुअल में ये है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि इनमें से Realme 2 Pro कौन सा है और U1 कौन सा है, पर ये है Realme U1 मेरे हाथ में। मैं आपको थोड़ा सा बस कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको सेम नॉच मिलता है, बैक पैनल भी सेम है, सेम फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट, सेम कैमरा प्लेसमेंट, और आपको इसमें जो है नॉच छोटा मिलता है। 6.3 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और डिस्प्ले दिया गया है जो कि Gorilla Glass 3 से प्रोटेक्टेड है। बैक पैनल पर ग्लास का इस्तेमाल किया है, ग्लास फिनिश दिया गया है इसमें। और आपको नीचे की तरफ यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल है, 3.5 mm ऑडियो जैक है, राइट साइड पर पावर बटन है, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रॉकर की और सिम ट्रे, और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया। ओवरऑल फ़ोन बेशक Realme 2 Pro जैसा हो लेकिन लुक्स के मामले में आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा और आप इसे खरीदने का विचार ज़रूर बनाएंगे। इंटरनल्स की बात की जाए तो ये अभी तक इंडिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें आपको MediaTek का Helio P70 चिपसेट मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें दो वेरिएंट्स पेश किए गए हैं, यानी 3 GB रैम के साथ 32 GB की स्टोरेज और 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज। और मेरे पास ये जो वेरिएंट है इसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। तो चलिए अब एक बार मेमोरी एक्सपेंशन के ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि हम एक्सपैंड तो बट ऑब्वियस कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज ऑप्शन कैसा है, हाइब्रिड है या सिम स्लॉट है। एक बार मैं इसके यहाँ पर इसके सिम स्लॉट को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 स्लॉट दिए गए हैं, एक जो है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है, तो आपको अपने सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। तो कंपनी आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रही है इस प्राइस रेंज में। 13+2 MP का डुअल रे सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है, फिर से बता दूं अभी कोई जजमेंट नहीं दे पाऊंगा, रिव्यू देखना चाहते हैं तो बस थोड़ी ही देर में मैं इस फ़ोन का रिव्यू भी डालने वाला हूं, आप ज़रूर देखिएगा। HDR मोड बैक पैनल पर भी एज यूजुअल आपको मिल जाता है, बोके इफेक्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। और वीडियो की हम क्वालिटी देख लेते हैं, तो बैक साइड से भी आप 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और टाइम लैप्स का ऑप्शन भी इसके रियर कैमरा में आपको मिल जाता है। ओवरऑल फ़ोन जो है वो पूरी तरह से पावर पैक्ड है और अपने प्राइस रेंज में काफ़ी दमदार साबित होता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस रेंज में आपको इतने बेहतरीन स्पेक्स किसी और फ़ोन में तो नहीं मिलने वाले, हो सकता है लगभग सिमिलर मिल जाए, पर उनमें भी कुछ कुछ चीज़ें आपको इससे कमज़ोर ही मिलेंगी। ऐसे में कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 12 से 15 हज़ार रुपये है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, पर फिर भी रिव्यू ज़रूर देखिएगा। रिव्यू थोड़ी देर में मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ। और हमेशा की तरह अगर आपको इस फोन को कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।